ऑलराइट दोस्तों, रियलमी 11 प्रो प्लस आ गया है हमारे पास। और एक बात कहूं दोस्तों, एक जमाने में जब रियलमी की नंबर सीरीज लॉन्च हुआ करती थी, आई वॉज सुपर एक्साइटेड। आजकल दिस इज जस्ट अनदर फोन, और मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ क्यों कह रहा हूँ। एक जमाने में मैं रियलमी का फैन हुआ करता था, उनके फोन का। क्यों? बिकॉज दे यूज टू गिव बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स। और ये जो नंबर सीरीज है वो रेडमी के नोट सीरीज के साथ कंपेयर हुआ करती थी, एंड बोथ दीज सीरीज यूज्ड टू स्टैंड आउट। हम कहते थे कि भाई नोट सीरीज अच्छी है या रियलमी की नंबर सीरीज अच्छी है। लेकिन अभी आई डोंट नो, आपको पता चलेगा ये फोन जब मैं खोलूंगा, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। याद रखिए, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है। इट इज अराउंड 25-27,000, ऐसे लग रहा है शायद 30,000 के करीब भी आ जाए, बट मैं अज्यूम करने वाला हूं कि ये 27-28,000 को आने वाला है। उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स ओपन। वही ब्लैक येलो बॉक्स है, ब्लैक लेटरिंग है, डेयर टू लीप है, एंड देन यू हैव दिस केस, डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल। जी हाँ, नाइस केस, कैमरा मॉड्यूल, इससे तो पता चल रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है। सिम कार्ड टूल एंड डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज द फोन। फोन का फील तो जबरदस्त है। ओह, लुक एट दिस चार्जर, ह्यूज यूएसबी टाइप ए चार्जर है, एंड 100 वॉट चार्जिंग मिलती है आपको। जी 100 वॉट का एडाप्टर है, एंड देन यू हैव यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। चलिए, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, अब देखते हैं फोन के पास। Alright. Curved screen, scratch guard लगा हुआ है। Ooh, beautiful design. अगर मैं कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करूं, ओवरऑल जो लेदर फिनिश है उसके बारे में बात करूं, एंड दिस स्ट्रेट जो लाइन है उसके बारे में बात करूं, दिस फोन लुक्स ब्यूटिफुल। मतलब प्रीमियम लुकिंग डेफिनेटली है। मतलब हाथ में लेने के बाद ना ऐसे लगता है कि दिस इज एन एक्सपेंसिव फोन। लोग देखेंगे जब आप इस फोन को कैरी करोगे। वैसे इसमें और एक कलर आता है, ऐसे ही उसका जो फिनिश है वो भी है, बट दैट इज ग्रीन, दिस इज बेज। बट आई थिंक बेज लुक्स रियली नाइस। और एक बात कहूं दोस्तों, इन हैंड फील भी बहुत जबरदस्त है। आई मीन यू रियली फील नाइस होल्डिंग दिस फोन। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड बी क्लोजर टू 200 grams। जी हाँ, 198-199 grams, देखते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट्स सी, लाइट भी हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। ऑलराइट, इट इज 190.4 grams, 191 grams है। डज नॉट फील दैट हैवी फॉर श्योर। स्क्रैच गार्ड है, निकालते हैं इसे। निकल भाई, गिरा के देखना है। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन क्या है पता नहीं है, बट हम गिरा के देखेंगे, पता चल जाएगा। डिस्प्ले अगर नहीं, कुछ नहीं। एंड वन मोर फ्रॉम द बैक। All right, nothing. Well built. वैसे इसकी जो फ्रेम है दोस्तों, that is a plastic frame. Ports and buttons के बारे में बात करो, and by the way, let me tell you, even this golden frame जो है ना, it looks premium, very nice. नीचे की तरफ speaker grill आता है, USB Type C है, then you have SIM card tray and then microphone. Left hand side में कुछ नहीं है, ऊपर speaker grill आता है and noise cancelling microphone है. Right hand side में ऊपर volume rocker button and then you have जी हाँ power on off button. और नहीं, FPS पावर बटन में नहीं है, सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जनरली हम सेटअप करते हैं फोन को, लेकिन मुझे आपको ये चीज दिखानी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फोन जैसे ही आप बॉक्स से निकालोगे, इट इज लाइक दैट। यस, पूरा सेटअप करने वाले हैं, और आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली है। हेलो, ओके। अब ये देखिए दोस्तों, दो चीजें ऑप्शनल है, बट जब मेन स्क्रीन आई तो दीज वर ऑलरेडी देयर चेक्ड। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। 5 minutes later. अब दोस्तों इधर आता है मजा। अभी हमने गूगल अकाउंट वगैरह डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब रिकमेंडेड में देखिए आप, ऑटो अपडेट ओवरनाइट, ठीक है। अब दोस्तों ग्लांस फॉर रियलमी है। जी हाँ, रिकमेंडेशन, अब मैं ऑफ करता हूँ। लुक एट दीज डार्क पैटर्न्स, इमीडिएटली टर्न ऑफ, कंटिन्यू। तो टर्न ऑफ जो है एकदम यू नो ग्रे में लिखा हुआ है, आप फिर भी कंटिन्यू करोगे और वो स्टार्ट ही रहेगा। नो, आई वॉन्ट टू टर्न इट ऑफ। पर्सनलाइज सर्च ऑफ, ये देखिए इधर भी, लेटर। ग्लोबल सर्च, इधर भी रिकमेंडेशंस आते हैं, अगेन टर्न ऑफ एनीवे। बहुत सारे मैसेजेस है, बेसिकली डार्क पैटर्न्स, बंद, डन। 99% ऑफ यूजर्स इंस्टॉल दीज एप्स। जी हाँ, सो अगेन रिकमेंडेशंस, एंड दीज आर ऑल चेक। तो इधर लिखा हुआ है लोकप्रिय, मतलब पॉपुलर, एंड देन आवश्यक एप्स। इसमें दोस्तों आप बताइए, ये जो है प्लेविड, ये आवश्यक एप्स है? विडमेट, गाना, ओ माय गॉड, संगीत के लिए। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ एप्स। अब स्किप किधर है? ये देखो, इधर सिर्फ ऐसे कर दिया तो स्किप दिखता ही नहीं है, सो यू कांट इवन स्किप। आप ये बड़ा सा जो ग्रीन बटन है, इंस्टॉल ऑल कर दोगे, नहीं, दैट इज रॉन्ग, स्किप। मतलब सेटअप में ही आपको मल्टीपल लेवल्स पे रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। एक बार रियलमी UI पूरा इंस्टॉल हो गया, उसके बाद में भी ये देखिए,
यू नो एज सून एज योर फोन स्टार्ट्स ये पॉपअप आ जाता है. मतलब द लेवल ऑफ रिकमेंडेशंस वगैरह जो है मैंने किसी भी फोन में इतने ज्यादा नहीं देखे हुए. सो एड्स भर भर के सब जगह पे. अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस पर्सनलाइज सर्च आ गया इमीडिएटली. आई मीन व्हाट इज दिस एवरी टाइम यू डू दैट. ये देखिए, मतलब ये बंद कर दिया ऊपर आ गया. ओ माय गॉड, मैंने सेकंड टाइम अभी ऐप डॉट खोला इमीडिएटली फिर से आ गया डोंट शो मी दिस. तो ये फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकंड टाइम आया. सो दो बार प्रॉम्प्ट देता है. ऊपर देखिए ऑलरेडी नोटिफिकेशंस कितने आ गए. ये देखिए ऐप मार्केट इसेंशियल ऐप फॉर योर डिवाइस थीम स्टोर क्रैश कोर्स. ओ माय गॉड, यही मुझे दिखाना था. जनरली मैं ये सेटअप हम कर देते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम. नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, वो भी जो डार्क पैटर्न्स है जो अलाउ नहीं करते हैं आपको इजीली स्किप करने के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दोस्तों. एंड दैट इज व्हाट इट इज. आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए. एक बात कहूं, प्ले स्टोर से नहीं, वो उनके खुद से ऐप स्टोर से इंस्टॉल करने के लिए कहता है. एंड इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने उधर से इंस्टॉल किया तो आपको एड्स नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से किया तो आपको एड्स दिखेंगे. I mean, what is that? अब दोस्तों फोन मैनेजर उनका प्री इंस्टॉल्ड ऐप है. अब देखिए इधर, ये देखिए उनके ही एप्स के अंदर उनके ही एड्स. I don't understand this and this is really frustrating. इतना मैं कहता हूं, अगर आप इस फोन के पास देख रहे हो प्लीज बी रेडी फॉर दिस. और इतने सारे ब्लोटवेयर्स भी है, थर्ड पार्टी एप्स, इतने सारे हॉट गेम्स, हॉट एप्स, हॉट प्ले. ओ माय गॉड, जस्ट लुक, भर भर के स्नैपचैट वगैरह की क्या जरूरत है. I don't understand. Anyways, that was the point. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं. रिकमेंडेशंस एड्स के बारे में बहुत बात हो गई, बट अभी तक का, जी हाँ, पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एड्स अगर देखें तो रियलमी 11 प्रो प्लस में देखे मैंने. तो सर डिस्प्ले की तरफ जाने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है. और एक चीज, द रीजन व्हाई आई एम नॉट वेरी हैप्पी. जी हाँ, आप अगर सेटिंग्स में जाओगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाओगे दोस्तों, और अगर आप सिस्टम सर्विसेज में जाओगे तो एक इनहेंस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज नाम का फीचर आता है जो बाय डिफॉल्ट ऑन है. और आपको पता है ये क्या करता है? आपको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए आपकी हर चीज, वेदर इट इज योर कॉल लॉग्स, वेदर इट इज योर मिस्ड कॉल, योर एसएमएस, आपका लोकेशन, सभी कुछ जो है दोस्तों वो रीड करता है. जस्ट लुक एट दिस, स्पेशली आप इधर पढ़िए, ये सब जो चीजें पॉज करके पढ़िए दोस्तों. आई एम टेलिंग यू, पॉज दिस एंड रीड दिस. और ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं. फोन दिखने को तो बाहर से अच्छा है, बट ये जो एक्सपीरियंस है स्टार्ट का एंड विद एड्स, नॉट एट ऑल ग्रेट. डिस्प्ले दो, आई कैन नॉट से द सेम. डिस्प्ले अच्छा है बट नॉट वेरी डिफरेंट. अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, रियलमी 10 प्रो प्लस के बारे में बात करूं, उसके साथ कंपेयर करूं जो सिर्फ 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले आता है. 950 निट्स ब्राइटनेस है. ओनली डिफरेंस इज शायद उसमें 800 निट्स था, इसमें 950 निट्स है. यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट दैट डिफरेंस. तो डिस्प्ले रिमेंस द सेम एज कंपेयर टू रियलमी 10 प्रो प्लस. डेफिनेटली दोस्तों बेजल्स जो है बहुत ही पतले, साइड के नियरली नॉन एग्जिस्टेंट, इवन चिन एंड जो ऊपर की बेजल है बहुत ही पतली है. 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो. सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट. अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन ज्यादा डिफरेंस नहीं है. रीनेम्ड है, रीबैच्ड प्रोसेसर है, 7050 डायमेंसिटी 1080 एंड 7050 में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. सिर्फ USB 3.0 आता है, बाकी परफॉर्मेंस के मामले में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि UFS 3.1 आता है उसके अंदर, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. परफॉर्मेंस में इट इज एक्जैक्टली द सेम. अंतुतु स्कोर वगैरह डायमेंसिटी 1080 जैसे ही आते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है. 5.5 लाख के करीब अंतुतु स्कोर आता है, which is decent. इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज एंड 12/256 वेरिएंट आता है. UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X RAM टाइप आती है, और हाँ अप टू 12GB वर्चुअल RAM का भी सपोर्ट आता है. 5000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग. सो वो अच्छा है दोस्तों, 100 वॉट तो 10 प्रो प्लस के कंपैरिजन में वो बढ़ गया, कुछ 100% इन अबाउट 26-27 मिनट्स फ्रॉम 0-100. कैमरा के बारे में बात करते हैं, ये बड़ी चीज है क्योंकि ये उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया. जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों वो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, जी हाँ, प्रो प्लस में. लेकिन अगर आप प्रो लोगे तो उसमें 100 मेगापिक्सल का सेंसर है. ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, 200 मेगापिक्सल OIS को सपोर्ट करता है, दैट इज गुड. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आता है, और आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है. अब दोस्तों फोटोज के बारे में बात करूं तो दे कम आउट क्वाइट गुड. जैसे रियलमी के फोन हमने देखे, उनके कैमरा देखे हुए, डायनामिक रेंज वगैरह अच्छी है, बहुत ही अच्छे फोटोज आएंगे, शार्प वगैरह आएगा, सो दैट इज ऑल गुड. अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए और जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं, आप जरूर जाके ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज देखिए और हमें बताइए आपको ये फोटोज कैसे लगे. मेरे हिसाब से कैमरा डिसेंट है, स्पेशली 200 मेगापिक्सल OIS भी है. लेकिन याद रखिए दोस्तों, मेगापिक्सल्स पे मत जाइए, इट इज द क्वालिटी ऑफ दैट सेंसर, क्वालिटी ऑफ द फोटोज दैट मैटर मच मोर. अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30fps रेयर में मिलता है, लेकिन आगे आपको 1080p मिलता है. वैसे कैमरा एप्स के बारे में बात करूं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड आता है, तो स्ट्रीट में आप बहुत सारे फोटोज निकालते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर मोड है. ऑटो जूम आता है, इसका मतलब किसी चीज पे आप फोकस करोगे तो
ऑटोमेटिकली रीफ्रेम करता है द बेस्ट वे यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो ऑटो जूम आता है। और 200 मेगापिक्सल होने की वजह से एक फायदा जरूर है, जूम जब आप करते हो 4x लॉसलेस, बेसिकली जूम को क्रॉप करते हैं और फिर आपको देते हैं, सो 4x लॉसलेस जूम आपको मिलता है। सो फीचर्स के मामले में बाकी सब पोर्ट्रेट मोड, बाकी सब चीजें जो है दोस्तों सभी आती है, बट दीज वर स्टैंड आउट फीचर्स। कैमरा इज हैज अ डिसेंट सेटअप। वैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 7050 इज डिसेंट परफॉर्मर। HDR सेटिंग्स पे अगर BGMI आप खेलोगे तो 40 FPS आपको मिलता है। लोएस्ट सेटिंग्स पे आप गेम्स वगैरह करोगे तो 60 FPS तक आपको गेम प्ले मिल जाएगा, एंड डिसेंट गेम प्ले। डायमेंसिटी 1080 या 7050, दीज आर गुड चिपसेट्स फॉर परफॉर्मेंस। थ्रॉटलिंग में जो स्कोर आया इसका वो 83% है, विच इज वेरी गुड। सो या लॉन्ग सेशन भी खेल पाओगे। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है दोस्तों, 5G है, 9 बैंड का सपोर्ट है, सभी बैंड जो इंडिया में सब चलते हैं, डुअल 4G वोल्टी Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 आता है, दैट इज गुड। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, अगेन दे वर्क क्वाइट वेल। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो HDR10+ डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले दोस्तों, कलर्स लुक रियली नाइस, 950 निट्स ब्राइटनेस है, तो बाहर भी आप वीडियोस वगैरह देखोगे आपको मजा आएगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है तो नेटफ्लिक्स पे वेरी नाइस, एंड यस HDR वीडियो सपोर्ट करता है, सो दैट इज देयर। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विच आर लाउड एंड क्वालिटी अच्छी है, मल्टीमीडिया के लिए दिस इज अ वेरी नाइस फोन। और बाकी छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं, सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, IP रेटिंग नहीं है दोस्तों, FM रेडियो नहीं है, सो ऑल दोस थिंग्स आर नॉट देयर। फाइनली क्या लगता है मुझे, दिस इज अ स्टैंड आउट लुकर, ये दिखने को बहुत अच्छा फोन है, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन, बट एट द सेम टाइम दोस्तों OS माय गॉड इट किल्स इट। एंड अपडेट्स के बारे में भी उन्होंने बताया नहीं है, बट मेरे हिसाब से 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, बट जो रिकमेंडेशंस एड्स वगैरह ना, दैट जस्ट किल्स दैट एक्सपीरियंस। और याद रखिए दोस्तों, स्पेशली इन 2023 हार्डवेयर जो है वो कमोडिटाइज हो गया है, मतलब इस प्राइस रेंज में देखोगे तो सबके बहुत ही सिमिलर हार्डवेयर स्पेक्स होंगे, जो स्टैंड आउट होता है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वेयर This really fails big time. जी हाँ, अगर इसी प्राइस रेंज में आप दूसरे मोटो H40 वगैरह लोगे, they give you a very clean UI experience, and बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, फॉर एग्जाम्पल वायरलेस चार्जिंग आता है, IP रेटिंग वगैरह, eSIM का सपोर्ट है, डिस्प्ले इज रियली नाइस। तो मैं कहूँ इस प्राइस रेंज में स्पेशली नाउ बहुत सारे दूसरे अच्छे फोन भी आए हुए हैं, बट इफ यू आर अ रियलमी फैनेटिक आप इसके पास देख सकते हो, बट प्लीज रिमेंबर दैट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों एक चीज जरूर हमें बताइएगा, एंड आई वांट टू नो व्हाट आर द टॉप 3 एप्स, जो आप फोन लेते हो तो वो 3 एप्स होने ही चाहिए आपके फोन में, जरूर बताइएगा। आई जस्ट वांट टू नो व्हिच आर द मोस्ट इसेंशियल एप्स फॉर यू। या दोस्तों यही है रियलमी 11 प्रो प्लस। अगर आपको कोई सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड हम एक कैमरा कंपेरिजन भी करेंगे, yes, you know, हमेशा करते हैं, तो इसके साथ भी करेंगे रियलमी एंड रेडमी प्रोबेबली। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।